हार्ली में क्या किरदार निभाती हैं? मेरे कैरेक्टर का नाम है शिवानी और वो इस घर की बेटी है. वो बहुत खिलाफ है अपने घर वालों के और साथ है उस भाभी के जो जिसको निकाला जाता है घर से बिकॉज उसको लड़की होने वाली है. तो मेरा काफ़ी सिमिलर कैरेक्टर था पवित्र रिश्ता में. वहाँ पे भी मेरी बहन के ऊपर बहुत अत्याचार होता था तो मैं उसे बोलती थी कि तू उसके बारे में बात कर, उसके खिलाफ बात कर. तो यहाँ पे भी मैं उसका सपोर्ट करती हूँ और घर वालों के खिलाफ जाकर भाभी को उसके साथ रहती हूँ और घर वालों को बोलने की कोशिश करती हूँ कि जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है. तो देखते हैं कितना सक्सीड होता है अभी. पवित्र रिश्ता से तो आप काफी फेमस हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि ये सीरियल भी आपको उतनी लोकप्रियता दिला पाएगा? डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है क्योंकि एक तो ये टॉपिक बहुत आजकल चर्चा में है, स्त्री भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, जो पेट में बच्ची है पता चल जाता है तभी गिराते हैं, ये सारा टॉपिक बहुत आजकल चर्चा में है क्योंकि ये रोकना बहुत जरूरी है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कैरेक्टर जो यू नो जो सब कुछ सह लेते हैं, बहुत रोने वाली कैरेक्टर जो होता है लोग उससे जितना रिलेट करते हैं उससे ज्यादा वो लोग उनसे रिलेट करते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं या फिर जो यूथ है, जो लड़की होती है जो बोल देती है बिंदास. आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम है जो रोती रहती है और सब कुछ सहन करती है, डांट रहे तो वो भी सहन कर लिया, सब कुछ चुपचाप सह लिया. ऐसे आजकल लोग बहुत कम मिलते हैं या फिर लड़कियां आजकल की लड़कियां काफी जिम्मेदार हैं, वो बोलती है जो मुंह पे है, जो उनको अच्छा नहीं लगता उसके खिलाफ. तो आई थिंक पीपल विल रिलेट टू दिस कैरेक्टर मोर, सो आई एम हैप्पी डूइंग दिस कैरेक्टर. आपसे एक आखिरी सवाल कि इस सीरियल में आप पिछले जमाने के बहुत ही टॉप मोस्ट मशहूर वंस इन अ ब्लू मून फेम विलेन रंजीत के साथ में काम कर रही हैं, जिनसे तो लोग उस जमाने में लड़कियां डरती थी. आज आपको कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? एक्चुअली मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनसे डरने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं रियल लाइफ में. मैंने उनके साथ पहले भी काम किया था, मुझे पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं, लेकिन आई हैव मेट हिम बिफोर, ही इज अ वेरी नाइस गाय और डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मैं लोगों को बताना चाहूंगी. और उनके साथ काम करना बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका बहुत कम मिलता है. सो थैंक यू प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जिन्होंने हमें ये मौका दिया एंड थैंक्स टू हिम दैट ही इज डूइंग द सीरियल. आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद. इसी बात पर मैं प्रोड्यूसर पप्पू शर्मा जी के बारे में पूछना चाहूंगा. उनके साथ आप काम कर रही हैं, आपने क्या सब्जेक्ट देखा था या पप्पू शर्मा जी से इम्प्रेस होकर किस चीज से वापस के लिए हां की? मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पहला ऐसा सीरियल था जो मुझे ऐसे हम लोग फर्स्ट टाइम मिलने गए और मीटिंग की एंड इट वॉज जस्ट लाइक उनसे बात की, उन्होंने भी अच्छे से बात की एंड वी वर लाइक कि हाँ चलो ठीक है करते हैं, ऐसे हो गया. यूजुअली ऐसे नहीं होता, एक मीटिंग होती है फिर से दोबारा मिलना होता है, फिर से होता है फोन पे बातचीत होती है, फिर बोलते हैं कि हाँ देखते हैं बाद में करते हैं, फिर से आ जाओ मिलने के लिए, ऐसा सब कुछ भी नहीं था. इट वॉज नॉट एट ऑल फॉर्मल, बहुत ही ऐसे लगा कि पहली बार नहीं मिल रहे, हम पहले भी काम कर चुके हैं ऐसे लगा. तो बहुत ही अच्छा उनसे बात करके लगा और उन्होंने वहीं पर डिसाइड कर लिया हाँ ठीक है हम करते हैं साथ में काम ऐसे. सो अच्छा था, ये कम देखने को मिलता है इस इंडस्ट्री में, मतलब वो प्रोफेशनल भी है लेकिन काफी फ्रेंडली भी है, सो इट्स नाइस. थैंक्स.